ये कहानी है तीन पक्के बैक बेंचर दोस्त जीत मीत और मोंटी की, जो क्लास फिफ्थ से बैक बेंच पे बैठते और अपनी शैतानी और मटर गश्ती की वजह से हर टीचर की आंखों में चुभते। कभी टीचर्स की सीट पर पानी के पाउच फोड़ना, तो कभी टॉपर्स का चौक से हेडशॉट लेना। हर साल टीचर्स ने काफी कोशिश की उनको अलग करने की, पर उनके ब्रोमेंस को तोड़ने की ताकत किसी में नहीं थी। पर एक दिन जब जीत और मीत पेपर को पानी में भिगा के टॉपर्स को पेपर बॉल से मारने की तैयारी कर रहे थे, तभी मोंटी अचानक से गुस्सा होकर बोलता है, ये बचपना बंद कर दो यार, टेंथ में है हम, अब तो सीरियस हो जाओ। और चालू क्लास में लास्ट बेंच से उठकर फर्स्ट बेंच पर बैठ जाता है। मीत और को झटका लगता है और उस दिन के बाद हर दिन मोंटी फर्स्ट बेंच पे बैठने लगा और अचानक से उसने सारी शरारतें करना भी बंद कर दिया और किताबों में अपना सर डाल के मेहनत करने लगा। क्या वे साले, अब तो बात करना भी बंद कर दिया तूने हमसे, मीत उसका कॉलर पकड़ के बोलता है। तभी मोंटी उसको जोर से धक्का मार के बोलता है, कुछ नहीं समझोगे तुम। मोंटी के इस बर्ताव से जीत और मीत का दिल टूट जाता है, पर अपने सालों पुराने दोस्त पे वो गिव अप कैसे कर देते। रात को चुपके से उसके घर जाके सब कुछ पता कर लेंगे, जीत बोलता है। और जब वो उसके घर पहुंचते हैं तो मोंटी की खिड़की से जोर जोर से रोने की आवाज आती है। पार्ट टू। बैक बेंचर जीत और मीत जब अपने दोस्त मोंटी के घर पहुंचते हैं तब उसकी खिड़की से रोने की आवाज सुनकर उन्हें चिंता होती है। मीत जीत के कंधों पे चढ़कर अंदर जाने की कोशिश करता है, तभी जैसे धरती हिलने लगी और गेंडारा मोंटी की सोसाइटी का 150 किलो का वॉचमैन चोर चोर चिल्ला के उनकी तरफ जोर से अपना डंडा फेंकता है। डंडा सीधा जीत के बम पे लगता है। ओए मां, जीत दर्द से चिल्लाता है और मीत उसके ऊपर गिर जाता है। इसको तो छोड़ेंगे नहीं, बोल के दोनों वहां से भाग जाते हैं। और अगले दिन जब टीचर क्लास में रिजल्ट अनाउंस करती है तो टॉपर अविशा और धरती के बीच सेकंड रैंक पे पहली बार एक लड़का मोंटी होता है। पूरी क्लास में कोई भी इससे खुश नहीं होता और मोंटी को बू बू करने लगते हैं। तभी लास्ट बेंच से आवाज आती है, लाखों में एक चमकता सितारा, मोंटी भाई दोस्त है हमारा, और जिसके भी मुंह से अब बू निकला, रिसेस में उसको जूता और बेल्ट से है कूटना। क्लास में सन्नाटा हो जाता है और दोनों उसको कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए गले लगने की कोशिश करते हैं। और तभी एक और बार, दूर रहो, मोंटी उनको जोर से धक्का मार के बोलता है, जितना भी हर्ट करना है ना कर ले साले। जीत बोलता है, हम कभी भी तुझ पे गिव अप नहीं करेंगे, भाई है तू हमारा। मीत बोलता है, और गेंडाराम से युद्ध की तैयारी शुरू कर।